हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि हम इस्त्री की आरी किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल इजी स्टेप में आपको बताएंगे कि इस्त्री का जो हैंडल है वो हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इस्त्री की हम आरी बिल्कुल सिंपल पत्ती से हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, एक आरी तो हमारे पास इस्त्री की हो गई और सेकेंड आरी मैं आपको भी बता देता हूँ। तो सेकेंड आरी कुछ इस्त्री की होगी हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर। तो किस तरीके से आप इस तरीके की आरी को खुद से क्रिएट कर सकते हैं, फुल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, फुल आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप इस तरीके की आरी को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की आरी है। तो चलिए चलते हैं सीधा मशीन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अभी यहाँ पर चलते हैं ट्रेन से और उसके बाद हम चलते हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर, यहाँ पर हमें जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं ट्रेन का सफ़र। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने एक लकड़ी ली और लकड़ी को सबसे पहले हमने एक, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर उसकी कटिंग स्टार्ट की। सबसे पहले हमने उसके ऊपर एक डिज़ाइन को ड्रॉ किया जिससे कि थोड़ी सी उसकी लुक है वो अच्छी आ सके। तो इसके लिए हमने उस पर एक डिज़ाइन क्रिएट किया। उसके बाद हम यहाँ पर उसकी मैनुफैक्चरिंग को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हम आरी का यूज़ कर रहे हैं वो आरी भी इसी आरे की ही है, जिस तरीके की ये अभी आपको यहाँ पर शो हो रही है। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक आरी है जिससे कि इस लकड़ को यहाँ पर चीरा जा रहा है, इसकी यहाँ पर चराई की जा रही है। इसी आरी का यूज़ हम अपनी जो नई आरी है उसको क्रिएट करने के लिए करेंगे। तो वीडियो को देखना लास्ट तक। तो ये देखिए, अभी यहाँ पर पहले भी कुछ ना कुछ यहाँ पर हमने तैयार कर रखे हैं दो तीन। तो अभी यहाँ पर ये बड़ा थोड़ा सा बढ़िया में तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए, अभी यहाँ पर उसका नाप ले रहे हैं कि कैसे है यहाँ पर। तो चलिए, अभी आप देखना ब्लॉग को और फुल एंजॉय करना। तो मिलते हैं ब्लॉग के लास्ट में। तो फ्रेंड्स, ये जो आप यहाँ पर आरी देख रहे हैं तो ये आरी इसी आरे की है, और जो आप ये भी सेकंड वाली आरी देख रहे हो तो इस आरे की हमने आगे से कटिंग की हुई है। कटिंग करके हमने इसको एक सिंपल पत्ती में कन्वर्ट किया हुआ है। उसके बाद हम इसे इसमें फिट करके देख रहे हैं कि ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये देखिए, अभी कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसके बाद हम इसके जो दांत हैं वो निकालेंगे जो कि लकड़ी की चराई का काम करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से अभी हमारे पास अभी इसका कार्य चल रहा है। तो इसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस किस तरीके से हमने इसमें वर्क किया हुआ है। तो आई होप आप सभी को ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा।